अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दिस इज़ योरो सलमान फैसल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब वीवर्स खैरियत और आफियत से होंगे। वीवर्स, आज मौरखा 14 दिसंबर सन 2022 को ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की बहाली से मुतालिक सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं और इसी हवाले से पाकिस्तान रेलवे का एक नोटिफिकेशन भी मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता फिर रहा है और शेयर भी कि 20 दिसंबर से ग्रीन लाइन एक्सप्रेस रिस्टोर होने जा रही है और हमारे बाज़ दोस्त बाज़ यूट्यूबर्स भी बग़ैर किसी रिसर्च के व्लॉग्स बना बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं इसी ट्रेन की बहाली के हवाले से। व्यूअर्स, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये नोटिफिकेशन बिल्कुल जाली है और इन ख़बरों में कोई हकीकत ही नहीं है और अभी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की बहाली के हवाले से कोई भी ताज़ा तरीन अपडेट नहीं है। पाकिस्तान रेलवे ने कई मरतबा अपने ऑफिशियल ट्विटर और FB अकाउंट से ऐलान किया हुआ है कि इस किस्म की तमाम अपडेट्स पाकिस्तान रेलवे अपने ऑफिशियल ट्विटर और FB अकाउंट से रिलीज़ करता है, लिहाजा सोशल मीडिया पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के चलने के हवाले से फैली हुई खबरों की और नोटिफिकेशन की कोई सदाकत नहीं और ऐसा कोई ऐलान पाकिस्तान रेलवे की जानिब से नहीं किया गया और ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यह आप स्क्रीन पर पाकिस्तान रेलवे का ऑफिशियल ट्विटर देख सकते हैं, लिहाजा ऐसी जाली झूठी और मनगढ़ंत खबरों से बचें और इन पर बिल्कुल कान न धरें। और मेरी यूट्यूबर से भी मुअद्दबाना गुजारिश है कि ऐसी ख़बरों से बचें और बग़ैर रिसर्च बग़ैर तहकीक के कोई वीडियो अपलोड ना करें। वीवर्स, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की बहाली के हवाले से जारी खबर इतनी फैली कि माई टीम मेम्बर मिस्टर फैसल रहमान, जो कि रेल फैनिंग के शाहरुख खान हैं, और SN उनी खान इस फेक न्यूज़ से मुतासिर हुए बग़ैर ना रह सके। आइए हम आपको इन दोनों के तासुरात दिखाते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एहसन ओनी खान आजकल अपनी साली के बेटे की शादी में बहुत बुरी तरह मसरूफ़ हैं और उन्हें ये पता ही नहीं कि सोशल मीडिया पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के हवाले से चलने वाली खबरें जाली और मनगढ़ंत हैं। नोनी खान जज्बात की रौ में नोटिफिकेशन और रेस्टोरेशन दोनों को मंडे से बता रहे हैं। खैर, ओवर टू यू नोनी खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, बाखैरियत होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ठंडे मौसम में एक गर्म गर्म खबर देने वाला हूँ जिससे सुनते आप लोग गर्म हो जाएंगे इस ठंडे मौसम में। ये खबर आप सुनते ही इंतहाई खुश होंगे जैसे कि मैं आज खुश हूँ। आप मेरे इस वक्त जज्बात का आलम देख रहे होंगे क्योंकि आज मैं आपको ये बताने जाने चाह रहा हूँ कि ग्रीन लाइन, चाइना ग्रीन लाइन को जिसका आगाज़ नोटिफिकेशन मंडे को आ गया है और जो कि स्टार्टिंग पोजीशन पे मंडे को रवा दवा होगी, जिसकी खुशी में मैं बहुत खुश हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स खुश हैं, मेरे दोस्त खुश हैं और मेरे तमाम व्लॉगर्स, मेरे ग्रुप मेंबरांस सब खुश हैं। सलमान भाई, फैसल भाई और अदर्स मेरे साथ व्लॉगर्स इंतहाई खुश हैं। अब इस खुशी का आलम में मैं आपको भंगड़ा करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को भंगड़ा करके दिखाता हूँ। यकीन माने, मस्त, डोंट मिस कीजिएगा और ज़रूर इसके प्यारे प्यारे हमें कमेंट्स और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। यही तो ज़रूरत है हमें आपकी और हमें इंफॉर्मेशन देना, हमारी ज़रूरत है आपको ये सब कुछ इतला देना बर वक्त। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा इस सर्दी के मौसम में और डोंट मिस चाइना ग्रीन लाइन कोचेस ऑन मंडे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपको होस्ट फैसल रहमान, टीम पैशन एट ट्रेवलर की तरफ से। अच्छा, आज 14 दिसंबर सन 2022 फाइव अप ग्रीन लाइन से अपडेट जो भी सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रही हैं वो फेक हैं। पाकिस्तान रेलवे की तरफ से कोई भी इससे मुतालिक नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही किसी किस्म की खबर की कोई तब्दील की गई है। ऐसे लोगों से हमें बहुत शदीद परेशानी होती है, आम लोगों को, ख़ास तौर पर हम जैसे रेल फैन को। ऐसी खबरें क्यों फैलाते हैं और क्यों खुश होते हैं? सिलसिला ये है कि लोग आजकल प्लानिंग कर रहे हैं सर्दियों की छुट्टी की, तो लोग इस प्लानिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं और परेशानी का शिकार हो जाते हैं, वेट करते हैं कि भाई टिकटिंग कब से हो रही है। हम जैसे रेल फैन और आम आवाम को इन चीज़ों से बहुत दुख होता है और शदीद परेशानी होती है। जी तो दोस्तों, ऐसी ख़बरों पर कान ना धरें। मेरी आपसे गुजारिश है कि जैसे ही कोई अपडेट आती है फाइव अप ग्रीन लाइन से मुतल्लिक पाकिस्तान रेलवे से, तो हम आपको खुद जाके इसका हो सका ट्रैवल भी दिखाएंगे और इस पर एक व्लॉग भी बनाएंगे और मैं आपको इसकी खबर जो है, अपडेट इसकी जो है, अपने व्लॉग के ज़रिए देता रहूँगा। अपना ख्याल रखें।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम।